अच्छा मैं भी आ रहा था जर्मनी से, राफे पे गए थे अंडे लाने हैं तुमने ना, मेरे को पता नहीं कौन से अंडे हैं राफे, मेरे का स्पेशल अंडे होते हैं कुकड़ियाँ देती हैं, यहाँ बड़े महंगे हैं, मेरा ख्याल है 1-1 लाख 1.5 लाख मिलते ही नहीं है अंडा, वो यहाँ पे मिलते नहीं, वहाँ इम्पोर्टेड चूजा ही मिलता है। बनाते हम समझते नहीं वो जाँचते, चाहते सुनना दिल की परताने ये समाज के, दुनिया निशाने पे है किस्मत देती साथ भी, हम नए जमाने से जमाने के हालात नहीं हम झाँकते। और आज हम बड़े डिफरेंट और फिट से एनवायरमेंट में, ये चेक कर कुकड़, और ये मेरे कज़न है राफे भाई, हमें यहाँ लाहौर बैरियर टाउन में। सीन ये है कि राफे भाई ने ना शौक चढ़ा है राफे भाई को, या शौक है राफे भाई का, अभी डिस्कवर किया शायद कि उन्हें पोल्ट्री की चीज़ें, तोते मुर्गे मुर्गियाँ और क्या क्या रखा है उन्होंने, हम पूछते हैं राफे भाई से। और ये राफे भाई, अस्सलाम वालेकुम। राफे भाई आए थे मेरे व्लॉग में 2 साल पहले मेरा ख्याल है, याद है राफे भाई? नहीं नहीं मुझे भी नहीं याद था वैसे लेकिन बहुत देर से जानते हैं आप लोग राफे भाई को, एक दफ़ा आए थे आप व्लॉग में ना। क्या सीन है राफे भाई, ये आजकल के ज़माने में इतने कुकड़ नहीं खा ले, कुकड़ियाँ भी हैं, कुकड़ियाँ ये तो एक्सपेंड होते जाएंगे। ये कुकड़ है, ये कुकड़ियाँ, इसकी बहुत बड़ी कल गई है वो मुर्गा है, वो ये 9 मुर्गी है, आपने एक मुर्गा रखा है 9 मुर्गियों में। मैं एक और ढूंढ रहा हूँ उनके लिए या एक तो पूरा नहीं पड़ेगा एक पे साथ तो जाती है 9 मुर्गियाँ। अच्छा ये किस नस्ल के हैं कोई पता है? ये ऑस्ट्रेलोप है। ऑस्ट्रेलोप, ये अंडे बड़े ज्यादा और काफी अच्छे साइज का अंडा देती है। मोटिव क्या है इतने कुकड़ रखने का, खाली अंडे करना या क्या करना? इनका मोटिव तो सिर्फ जो टेबल के लिए है ना, वो है घर के खाने के लिए, ये अच्छा। शौक के लिए थे लाइट सक्स, उस वक्त काफी अच्छी मार्केट थी, अब थोड़ी डाउन है, लेकिन उनकी मुर्गी होती है अंडा देती रहे तो फायदा ही फायदा ये सही है। तो आज देसी देसी अंडे आते हैं सुबह सुबह माशाल्लाह, 8-9 अंडे आ जाते हैं। जानदार फील होता है एकदम, ट्राई करते हैं भागने की। पकड़ा खैर मैंने नहीं है, राफे भाई ने पकड़ के दिया मुझे। अरे भाई अगर मैं इसे यूं करूं, उड़ता उड़ता नीचे जाएगा। अच्छा मतलब उड़ सकते हैं ना, स्लो मो उसका। क्या सेटअप है राफे भाई, मैं शौक का बताया था, तोतों का शौक है, डॉग्स का, हर टाइप का डॉगी भी प्लान कर रहे हैं, जर्मन शेफर्ड का ले लिया, जर्मन शेफर्ड बुक किए हुए हैं, और वो जो हैं मेरे पास लैब्राडोर के चॉकलेट ब्राउन का एक पेयर आ गया है, और उसका अमेरिकन बुलीज का तो अब काफी बड़ा भी हो गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राफे भाई से मुझे वीडियो सेंड करे ताकि व्लॉग में उसे ऐड करूँ। वो यहाँ नहीं पड़े, ये तो घर है, वो अलग से दुकान ने मेरे ख्याल है बनाया हुआ सारा सेटअप, हाँ उसके अंदर सारा सीन अभी है। अभी बना रहा हूँ, मतलब थोड़ा ग्रेजुअल है, लेकिन तोतों का तो बना हुआ है काफी, तोतों का बना हुआ है, या तोते रखे हैं राफे भाई ने बड़े फिट किस्म के, ये गौरव से ही आए हैं मुझे, ये मामा ने मुझे भेजे हैं, ये मेरी कहाँ से, यूके से, यूके से। तो पहले के मैंने नाम रखे थे वो कोको मैलम को देख के, उसमें एक बिंगो डॉग है बिंगो डॉग और कोको कोको मैलम से कोको से। अच्छा मैं भी आ रहा था जर्मनी से, राफे पे गए थे अंडे लाने हैं तुमने ना, मेरे को पता नहीं कौन से अंडे हैं राफे, मेरे का स्पेशल अंडे होते हैं कुकड़ियाँ देती हैं, यहाँ बड़े महंगे हैं, मेरा ख्याल है 1-1 लाख 1.5 लाख मिलते ही नहीं है अंडा, वो यहाँ पे मिलते नहीं, वहाँ इम्पोर्टेड चूजा ही मिलता है, इम्पोर्टेड अंडे हैं ब्रांडेड, चूजा ही मिलता है, और चूजा जो है वो काफी एक्सपेंसिव है। कल ना डिस्कशन हो रही थी, आज राफे पे कल हमारी डिस्कशन हो रही थी, कितना आला कारोबार है ये, क्योंकि आप एक डॉगी लो फिर एक डोगनी लो, उसे डोगनी नहीं बिच बिच मैं कहना नहीं, मतलब एक डेजी लो और एक ओलिवर लो, या डेजी और ओलिवर लो और उनके बच्चे करो, एक जॉन पैदा करो और आगे जॉन को बेच दो, और जॉन की जगह वो पामेला भी हो सकती है, हाँ कुछ भी हो सकता है जॉन जॉनी, बट ये है कि इतनी इतनी प्राइसेस हैं उनकी। कल राफे भी बता रहे थे कि यार 1.5-1.5 लाख के इतने जो पैदा होते हैं ना अभी, वो बिक रहे होते हैं, ये बड़े सस्ते माने जाते हैं 1.5 लाख के, कहाँ तक प्राइसेस जाती हैं इनकी?
ये जो उसके बच्चे होते हैं उनकी तो इतनी ही नॉर्मली कोई 3 लाख तक जाती है मैक्सिमम, जो बहुत हैवी पेडिग्री वाले होते हैं। जो जर्मन शेफर्ड अभी आपका प्लान है जो इंपोर्ट करवा रहे हैं उनका कैसे है? जर्मन शेफर्ड जो मैं ले रहा हूँ ना वो ऑलमोस्ट कोई 150 टू 2K 200 के तक। कहाँ से आ रहे हो? वो मैं एक ब्रीडर से ले रहा हूँ, वो फैसलाबाद से हैं। अच्छा, जानवरों का ना ये नहीं है कि बस रख लिया और बस आपका सीन ख़त्म हो गया, बड़ी केयर करनी पड़ती है। सुबह सुबह राफे में 6 बजे उठते हैं, इन्हें सारा इनकी स्पेशल फूड होती है, ये नहीं कि कोई भी बाजरा खा लेंगे, बड़े नखरे वाले हैं। कुक्कड़ कुक्कड़ क्या है, क्या है, मुर्गे मुर्गियाँ मुर्गे, हाँ। और स्पेशल ब्रीड है ये, देसी ब्रीड में है, इंग्लैंड में होते हैं ऐसे। अच्छा, तो ये ना इन्हें स्पेशल फूड चाहिए होता है और खर्चे वाला काम है, बट अगेन ये आपको प्रॉफिट भी बड़ा दे जाता है जब सेल आउट होने पे आती हैं चीज़ें। हाँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है पहले, कोई शौक चाहिए। राफी भाई को शुरू से शौक था मेरे ख्याल है, अभी वो हुआ है कि शौक को क्या बाहर आ गया, बाहर आ गया, बहुत ज़्यादा उबल के बाहर उबल के बाहर आया। तो हम वीडियो में दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें राफी भाई ने पाली हुई। एक फॉर्म है, फॉर्म हाउस में मज्जे भी हैं भाई साहब, पॉप मज्जे भी रखी है, कुत्ते भी है। वो भाई डील करते हैं, बड़े भाई। हाँ, वही भी भाई डील करते हैं, वो भी भाई डील करते हैं। लेकिन फिर भी इस ज़माने में ना ऐसे शौक कम लोग ही पालते हैं राफे भाई। हम तो अपना सुबह उठ के नाश्ता कर लें, बड़ी बात है, अपने सौ कुत्तों का नाश्ता कर रहा है। और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग्स में। कितना तेज है यार, मेरे मथे मत हो, हटो बचो स्क्वाड, मेरी हार्ड कैच यू ऑफ गार्ड, तेरी क्या बिसात।